الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع الرحمة بلی بلی ہر کوئی آنکھے بلی بلی ہر کوئی آنکھے میں بھی آنکھا بے उस वेले दा कोई नहीं हो बेली जदो जासे जान अकेली दुश्मन मरे ते खुशी नहीं हो करिए दुश्मन मरे ते खुशी नहीं हो करिए सजना भी टर जाना डिगर दे दिन गया मोहम्मद ओड़कनो डब जाना दुखिए दी गल दुखिया जाने दुखिए दी गल दुखिया जाने ते सुखिए नो की खबरां मापे जिना दे मौत ने मारे वीर जिना दे मौत ने मारे आज तक तक रोंदे कबरां हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक दी जात वास्ते है बेशुमार लातादा दरुदो सलाम आकाए दो जहान इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते ग्रामी थे दोस्तों बुजुर्गो नौजवान साथियों पर्दा नशी मेरी मुअज्जजात मुकर्रमात माओ और बहन अल्लाह रब्बुल आलमीन दा फजल व करम है कि खालिक अर्ज़ो समा ने सानू अपने घर के अंदर जमा फरमाया और ये साड़ी खुशकिस्मती है कि कोई बंदा अपने दुश्मन नू अपने घर नहीं बुलांदा अपने घर उन्हू बुलांदा जिदे नाल बंदे नू प्यार होए मालूम ये होंदा कि अल्लाह नू साडे नाल प्यार है ते अल्लाह ने अपने घर बुलाया वगरना देख लो कैसे कैसे लोग ने
जेडे इस वक्त भी टीवी वीसीआर ते बैठे ने अल्लाह ने नहीं बुलाया साडे नाल अल्लाह नू प्यार सी अल्लाह ने अपने घर बुला लिया दुआ करो अल्लाह इस प्यार दे जरिए सानू जन्नत दे अंदर भी इसे तरह इकट्ठा फरमाए। दोस्तों मैं ज्यादा वक्त नहीं लहांगा क्योंकि टाइम पहले बहुत ज्यादा हो गया है। चंद मिनट गुजारिश आ तवज्जो दे नाल सुनिया जे पहली गुजारिश मेरी सुन लो ते कबूल भी कर लो मान लो तरले कि जेडे साथी बाहर ने ओ मुहब्बत प्यार नाल अंदर आ जाओ। ज्यादा वक्त नहीं लांगे बस चंद मिनटां दी गुफ्तगू करके इजाजत चाहांगा और मालिक दे अगे दुआ करना या अल्लाह जिन्ना तेरे बंदियां जलसे दा इनकाद कीता है इस दे इंतजाम और एहतमाम कीते ने अल्लाह सबना दी मेहनत कबूल फरमा के जरिया नजात बना दे। मौला साडा सबना दा बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमा। हजरात मैं इंशाल्लाह चंद मिनटां दे अंदर तुहाडे सामने जो बात बयान करना चाहना वो है सिला रहमी। जदों तक असी इंसान असल ओ ही है जेड़ा आपस दे अंदर ताल्लुक नू जोड़ के रखदा जेड़ा बंदा ताल्लुक तोड़दा ओंदा ते हैवाना दा फर्क कोई नहीं। ताल्लुक जोड़ना चाहिए मुसलमान ओ है जेड़ा ताल्लुक नू जोड़दा अपने रिश्तेदारां नू मिलांदा है। जो आयात मुबारक मैं तुहाडे सामने पढ़ी है इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहु बैना अकवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने कि मोमन मोमन आपस दे अंदर की ने भरा ने ते भरा जेड़े आपस दे अंदर अगर आपस दे अंदर रहंदिया होया इन्हां दा लड़ाई झगड़ा हो जाए इन्हां दी कोई आपस दे अंदर तू मैं हो जाए ते की करना चाहिए। हाला ए रब दा कुरान है कि अल्लाह दा कुरान की आंदा है कि अगर मोमन मोमन दे भरा आपस दे अंदर लड़ पैन ते तुहानू की किरदार अदा करना चाहिए। क्या असी ओ किरदार अदा करने आ रहमान वाला या शैतान वाला किरदार अदा करने आ इहदे उत्ते असी नजरे सानी करिए और सोचिए फिक्र करिए कि रब दा कुरान ए आंदा है कि तुहानू चाहिए कि तुसी उहनां नू सुलह करवा दिओ आपस दे अंदर उहनां दी सुलह करवा दिओ ते शैतान आंदा है कि नहीं सुलह ना करवाई सुलह करवा दी ते फिर तेरा फायदा की होया। शैतान ये आंदा है कि हुण तू बल्दी दे उत्ते तेल पा करेगा की शैतान कहेगा इन्हां दोनों भाइयां दी दूरी पै गई आपस दे अंदर लिहाजा इहदे तो फायदा उठाया जाए वह जाके दूसरे नूं कहेगा कि यार तेरे बारे फलां इस तरह बोलता है वह तेरे बारे इंज कहिंदा है उहनूं जाके कहेगा नहीं तैनूं वह इंज आंदा हैगा। हाला नबी रहमत दा फरमान यह है कि सुलह करवावण दे अंदर अगर तुहानूं झूठ भी बोलना पए तो बोल के सुलह करवा दिओ रब राजी हो जाएगा। हजरात आइए जरा गौर फरमाना दुआ करो अल्लाह मैनूं कुरान और हदीस बयान करन दी और सानू सबना नू सुन सुना के अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान आंदा इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहु बैना अकवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान ए बयान कर रहा है नबी रहमत दा फरमान की अल्लाह यदखुलुल जन्ना कातिउर रहमा। फरमाया जेड़ा बंदा ताल्लुक तोड़दा है जुदा करदा है अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने जन्नत दे अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। हजरात दूसरी हदीस ते गौर फरमाया जाए नबी रहमत फरमांदे ने मन का ना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिर रहिमा। फरमाया जेड़ा अल्लाह और आखरत ते ईमान रखदा है ओनू चाहिए कि ओ सिला रहमी करे ताल्लुक जोड़े ताल्लुक तोड़े ना। ओ नबी रहमत दा अपना अमल देख लिया जाए ना आका नू मक्के वालिया तंग कीता परेशान कीता। नबी रहमत मदीना दे अंदर चले गए आका मदीने दे अंदर पहुंचे ते लोगां नू जमा फरमाया आका फरमांदे ने या अय्युहन्नास
السلام وأطعم الطعام واصل الأرحام مدینے والیو سلام نو عام کر دیو اے مہاجرین سلام نو عام کر دیو اے انصاریو سلام نو عام کر دیو میرے نبی نے دعوت دیتی ہے یہودیاں دے بہت بڑے عالم عبداللہ ابن سلام آئے نا میرے پاک پیغمبر دے کول تین سوال لے کے آئے نا دل دے اندر سوچیا اگر اللہ دا سچا نبی ہویا انہاں دا جواب بالکل ٹھیک دین گے تے میں کلمہ پڑھ لاں گا صدقے تے قربان جاواں جدو میرے پاک پیغمبر دے کول آئے نا میرے نبی پہلے ہی سے صحابہ نوے تین سوال سمجھا رہے نے افش السلام واطعم الطعام واصل الارحام اے میرے صحابیو لوگاں نو کھانا کھلایا کرو میرے صحابیو اگر کوئی بڑا ہے تے چھوٹے نو چاہیدہ ہے بڑے نو سلام کرے بڑا چلدے نو سلام کرے چلدا سواری والے نو یا سواری والا چلدے نو سلام کرے آقا فرما دینے چاہیدہ کہ آپس دے اندر صلہ رحمی کرو تعلق جوڑو آقا فرما دینے آج تو بعد انصاری تے مہاجرین پائی پائی نے پائی چارا قائم کر دیتا صدقے تے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دا پیارا یار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے کول بیٹھے اکھا جو آنسو جاری ہو گئے میرے نبی فرماتے نے علی کیوں روئی جا رہے آئے سونیا تسی پائی چارا قائم کرتا مہاجرین تے انصار دا میں علی کلا ہی رہ گیا میرا ویر کوئی نہیں دا میرے نبی نے لب کھولے فرمایا علی پریشان کیوں ہو رہے آئے انت ولی فی الدنیا والآخرہ آقا فرماتے نے علی پریشان نہ ہو میں تیرا ویرا دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر حضرات میرے نبی نے پائی چارہ قائم کیتا عبداللہ ابن سلام آئے میرے پاک پیغمبر فرماتے نے عبداللہ کیویں آیا ہے آندا سونیا کلمہ پڑھاؤ مرید کر لو او تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گیا تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گیا سونی سونی چال والے آؤ میرے پاک پیغمبر دا کردار دیکھے آؤ یہودیاں دا بہت بڑا عالم نبی پاک دا دیوانہ بن گیا صحابی بن گیا حضرات آئیے ان غور فرماندے جایا جے جو بات میں دسنا جانا دکھ اپنے دیا کر دینے بگانے دکھ نہیں دین دے اپنے دکھ دیا کر دینے میرے نبی نو لوگو جتے نبی دا بچپن گزرے آؤ نبی دا لڑکپن گزرے آؤ نبی دی جوانی گزری ہے آج میرے پاک پیغمبر نو آڈر آ گیا ہے سونے محبوبا مکہ چھوڑ جو مدینے چلے جاؤ نہ میرے نبی مدینے چلے گئے میرے نبی خانہ کعبہ نو دیکھ دینے تے اکھاں سوان سوزاری ہو گئے نے اے پروانے قرآن دیو جس جگہ تے بندہ رہندہ ہوئے نا جس بندے نے اپنا جوانی لڑکپن بچپن گزاریا ہوئے نا او دا قصور بھی کوئی نہ ہوئے انہوں کیا جائے کہ کار چھوڑ دے چلا جاؤ او دے دل تے جو بیت دی انہوں ہی پتا ہویا کر دے میرے نبی دا پرا بھی کوئی نہیں میرے نبی دا ویر بھی کوئی نہیں میرے نبی دی ہمشیرہ بھی کوئی نہیں ہے میرے نبی دا ساتھی لوگو چند ساتھی موجود رہے اللہ رب العالمین دا آرڈر آ گیا سونیا مکہ چھوڑ دے میرے نبی مکہ چھوڑ رہے میرے نبی دیا نظرہ لوگو خانہ کعبہ دے پہ گئی آؤ
आका दिया अखा चो हिंजू जारी हो गईया। मेरे नबी खान ने काबे वाल मुंह करके बाबा जी शमशान बांधे ने, फरमांदे ने नबी पाक दे अल्फाज की ने, आका खाना काबा नु वेखदे ने ते आंदे ने चांदा सी दिल एते पढ़दा नमाज़ा मैं, चांदा सी दिल एते पढ़दा नमाज़ा मैं, उस सोने सच रब दिया करदा इज्जो नियाज़ा मैं, पर कौम ने चंगी तेरी नेक खमीर दी, जोगव सेंदी डिटी जगाद पीर दी। लोग नारे तकबीर शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा हजरत मौलाना कारी यूसुफ रब्बानी साहब। अल्लाह जिंदाबाद। हजरात आइए गौर फरमाया जे, मैं दो बात दसना चाहना। आका मक्का छोड़ के निकले, रोंदे रोंदे मक्का छोड़े आओ, नबी मदीने पहुंचे। हजरात दुखा दुखा ने कितना घेरिया, मेरे नबी दे यारा नु तकलीफा दितियां गईया, जनाबे बिलाल नु ततियां रेता ते लिटाया गया, बीबी सुमैया दियां अखा निकालिया गई, बीबी सुमैया नु दो फाड़ कर दिता गया, बीबी सुनहरा दियां अखा निकाल लियां गईयां, आले यासर नु कड़ाई दे अंदर पुन दिता गया, मेरे नबी दे यार खुबैब नु सूली ते लटका दिता गया, मेरे नबी मक्का छोड़ के चले गए। एक वक्त आया मेरे नबी नु अल्लाह पाक ने फाते मक्का बनाया, 10,000 दा लश्कर मेरे नबी लैके मक्के ते चढ़ाई वास्ते आए ना। हजरात वक्त इजाजत नहीं देंदा जे, लेकिन मैं दसना चाहना सिला रहमी किस चीज का नाम है, कितना सताया गया ना। मेरे नबी मुकामे जुफा ते पहुंचे ना, मेरे नबी दे चचा दा बेटा अबू सुफियान आया, अबू सुफियान बिन हारस आया, मेरे नबी दी फुफी दा बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमैया आए, जुफा मुकाम ते पहुंचे ना, मेरे पाक पैगंबर दे कोल आए ने, आकर के आदे ने सोनिया सानू मुआफ कर दे, मेरे नबी ने मुंह ही फेर लिया, मेरे नबी वेंदे ही कोई नहीं दे, अगों दी आए सोनिया आप कर दियो, मेरे नबी दिया अखा चो आंसू जारी हो गए। आका सारो कितार रोई जाते ने, किस वजह तो रोई जाते ने, परवाने कुरान दियो बंदे नू अपने आते मान होया कर दे, मेरा अपना बाजू बन जाएगा, बाप नू बेटियां ते मान होया कर दे, बेटियां नू अपने औलादा ते मान होया कर दे। लोगो जरा गौर फरमाया जनाओ, मेरे नबी नू मान सी, मेरे चचा दा बेटा साथ देवेगा, नबी नू मान सी, फुफी दा बेटा मेरा साथ देवेगा, लेकिन लोगो अबू सुफियान ने भी मेरे नबी दी मुखालफत कीती है, और लोगो अब्दुल्ला इब्ने उमैया ने भी मुखालफता कीतियां ने। अज मेरे नबी नू बुलांदे कोई नहीं, मेरे आका फरमांदे ने, मेरे आका बोलदे कोई नहीं, ए सारा मंजर हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा देखदियां पईयां ने, मेरे नबी दी बीवियां दी ए सोनिया महबूबा है ते तुहाडे अपने ही ने, चलो मुआफ कर दियो, मेरे नबी नू तकलीफ ये नहीं पहुंचिया का मुआफ ही नहीं कर दे। ओ लोगो मैं केड़ियां केड़ियां बातां दसां, मेरे नबी ने ते उन्हां नू भी मुआफ कर छड़िया। मेरे नबी मक्के दे अंदर पहुंचे, एक आन वाला आया, इन्ने मुड़ासा मारिया चेहरा छुपाया होया, आ करके आंदा सोनिया मैनू मुआफियां मिल जानगियां, मेरा कसूर बहुत बड़ा है, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, क्या मैनू मुआफी मिल जाएगी। आका फरमांदे ने आने वालिया कौन है, ओ लोगो जरा गौर फरमाया जे, इतनी बात कही है, आने वाला आंदा सोनिया मेरा नाम हब्बार बिन अस्वद, मेरे नबी दियां अखां डुल पईयां, नबी पाक जारो कितार रोई जांदे ने, नबी पाक
रोई जा रहे ने हब्बार बिन अस्वद कौन है लोगो जदो मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया सी मेरे आका फरमांदे ने मेरी बेटी ज़ैनब नु मेरे कोल भेज दिता जावे मेरे नबी दी बेटी साल बाद मेरे नबी नु मिलन वास्ते जा रही है मापिया नु खुशियां होया करदियां ने जदो बेटियां खुश होंदियां नजर आन जदो बेटियां मुस्कुरांदियां मापे राजी हो जाया करदे ने जदो बेटियां दे हालात माड़े होन बापे जिउंदे कब्रां नु पहुंचन वाले बन जांदे ने ओए लोगो बेटियां दे दुख बर्दाश्त नहीं होया करदे हजरात आईओ गौर फरमाया जे मेरे नबी दी बेटी ऊंट ते बैठी है ऊंट ते बैठ के पैगंबर दे कोल जान लगी है हब्बार बिन अस्वद वेंदा पिया सी इने नेजा उठाया मेरे नबी दी बेटी नु मारिया आका दी बेटी दे पेट दे अंदर नेजा लग्या मेरे नबी दी बेटी दा हमल जाया बच्चा जाया हो गया और उस हालत दे अंदर हजरत ज़ैनब ने पेट ते कपड़ा बन्या और जख्मी हालत दे अंदर जा रहियां ने मेरे पैगंबर नु तड़पे मेरी बेटी आ रही है आका दे कोल जदों सैयदा ज़ैनब पहुंचियां मेरे नबी खड़े हो गए जदों खड़े होए आका ने बेटी दी हालत देखी है मेरे नबी रोन लग पे आका रोई जा रहे ने अपनी बेटी नु गोद दे अंदर लिटा लिया आका फरमांदे ने मेरी बेटी ए तेरे नाल किसने ज़्यादती कीती है ए किन्ने ज़ुल्म कीता है मेरे नबीआं मेरे नबी दी बेटियां दी है सैयदा ज़ैनब फरमांदियां ने सोनिया महबूबा ए मेरे अबू जी हब्बार बिन अस्वद ने नेजा मारिया है ओ लोगो मेरे नबी ने पत्थर खा के बद्दुआ नहीं दीती आका दे सर दे अंदर कड़ियां चुभ गईयां लेकिन बद्दुआ नहीं दीती मेरे नबी दे दंदान शहीद हो गए आका बद्दुआ नहीं दीती मेरे नबी दे यारां नूं तकलीफां दित्तियां गईयां नबी बद्दुआ नहीं दीती अज मेरे नबी दी बेटी दा मामला आया है ओ लोगो बेटियां दा मामला ही कुछ ऐसा होया करदा है मां बाप दी नींदरां डुट जांदियां ने मां बाप दुखी परेशान हो जांदे ने आओ लोगो गौर फरमाया जे आका फरमांदे ने रो रहे ने नबी पाक आका फरमांदे ने ओ मेरे यारो ओ मेरे साथियो मैं नबी तुहाडा आख रहा वां हब्बार बिन अस्वद खाना काबा दे गुलाब नाल चिमटिया भी दिस जाए ते कतल कर दे आजे हब्बार नु माफी कोई नहीं जे हब्बार जिथे भी मिल जाए कतल कर दे आजे क्योंकि आ मेरे नबी ने मेरे नबी तो बेटी दा दुख बर्दाश्त नहीं होया जे ओ लोगो दुआ करो अल्लाह जिन्ना नु बेटियां दित्तियां ने उन्हां नु सुकून भी अता कर दे उन्हां दे नसीब भी अच्छे बना दे हजरात आइए गौर फरमाया जनाब मेरे नबी रो रहे ने हब्बार बिन अस्वद सामने खड़ा होया है आका नु आंदा सोनिया मैं ओही बदनसीब हां जिन्ने तुहाडी बेटी नु नेजा मारिया मेरे नबी नु वक्त याद आ गया जदों बेटी हत्थां दे अंदर सी और उन्हां हत्थां दे अंदर ही मेरे नबी दी बेटी रब नु प्यारी हो गई है आका रोई जा रहे ने आका रोई जा रहे ने ते मेरे नबी बोले ते की बोले आका फरमांदे ने जा हब्बार तैनू भी मुआफ कर छड़िया है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन आका मुआफी दित्ती है अपनी बेटी दे कातल नु मुआफ कर छड़िया है ते वीरो कौन है असी ते अपने भरावां नु नहीं बुलांदे चंद रुपया दे मामले दे अंदर थोड़ी जी इज्जत दे मामले दे अंदर असी आने पुत्रो मेरे भरा नू मेरे जनाजे नाल ना आंदे आजे मेरे वीर नू मेरा मुंह ना देखन दे आजे मेरे अपने चचा नू मेरी कबर ते ना आंदे आजे
मेरे नबी दसना चाहते ने लोगो सिला रहमी करोगे अल्लाह राजी हो जाएगा। तीन दिन तक लगातार जिब्राइल आंदे रहे। सोने महबूबा अपने साथी दे बारे कह दियो कि ओ जनती है। सहाबा बड़े हैरान हो की गल एक यार साडा है इहदे बारे लगातार तीन दिन हो गया जिब्राइल आ रहा है। जाके अमल देखिया की अमल है। अमल इको ही है सौन लग्या है अल्लाह जिन्ना ने मेरे नाल ज़ियादतियां कीतियां ने मैं उन्हां नूं मुआफ कर छड़िया ते तू भी मुआफ कर दे। हजरात आइए गौर फरमाया जे मुकाम में जुबा दे अबू सुफियान बिन हारिस भी आए ने अब्दुल्लाह इब्ने उमैया भी आए ने मेरे पाक पैगंबर दे कोलो मुआफिया मंगदे पै ने। नबी मुआफ नहीं करदे। कोले जनाबे अली खड़े होए ने जनाबे अली फरमांदे ने यारो ऐ मेरे वीरो एक कुलिया दसना वा एक नुस्खा दसना वा इस्तेमाल करो। मैनू उम्मीद नबी पाक जरूर मुआफ कर देंगे। ओ केड़ा नुस्खा जनाबे अली ने दसिया। जनाबे अली फरमांदे ने तुसी ओ बात कहो ना जड़ी बात जनाबे यूसुफ दे परामा कीती सी तुसी ओ बात नबी पाक नाल करो ना। ओ लोगो केड़ियां बातां जनाबे यूसुफ दे वीरां कीतियां जान दियो। अहसनुल कसस अल्लाह फरमांदे ने पूरे कुरान दे अंदर बेहतरीन किस्सा जनाबे यूसुफ दा वाकया जनाबे यूसुफ दा है। किस वजह तो जनाबे यूसुफ दा वाकया जे आओ लोगो जरा मैं वाकये ते नजर पांदा जावां। हजरात आइए बे अपने बाप दे कोलो जुदा कीता वीरां ने और लोगो लारे ला के लै गए ना आप ला के लै गए ना। अबू जी यूसुफ नु साडे नाल भेज देवो असी बाहर दी हवा लुआ लियाईए। हजरात आइए गौर फरमाया जनाब जनाबे यूसुफ जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम बड़ा प्यार करन वाले बड़ी मुहब्बत करन वाले लेकिन लोगो होंदा ओ ये जो रब नु मंजूर होवे ओ कोई किसे दा कुछ नहीं कर सकदा जे रब नु मंजूर ना होवे। अपना अकीदा भी बना लवो। इत्थे अल्लाह दसना चाहते ने याकूब नबी नु यूसुफ नाल प्यार जरूर है लेकिन याकूब नबी नहीं जानते कि मैं मेरे बेटे नु जो लैके जा रहे ने इनू कतल करनगे इनू कुएं अंदर सुट्टनगे ए मैनू पता नहीं कि किन्नी देर बाद मैनू मिलेगा। हजरात आइए गौर फरमाया जे जनाबे याकूब अपने बेटे यूसुफ नु अपने कोल अलविदा करन वास्ते बाहर कनान तो बाहर आए ना। हजरात जरा गौर फरमाया जे इत्थे इक बात बाबा जी अब्दस्तार मरहूम रहमतुल्लाह अलैह करदे ने पता की आंदे ने बड़ी प्यारी तर्जमानी कीती है जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दा किस्सा अल्लाह दे कुरान दा बेहतरीन किस्सा है। लेकिन क्यों बेहतरीन किस्सा है या यूसुफ नबी बिल्कुल बचपन दे अंदर जो रब ने अजमाया और शुरू दे अंदर अजमायशा दे अंदर आए अजमायशा किन्ना तो आईया परामा ने जुल्म कीता परामा ज्यादतियां कीतियां और कितनिया कितनिया ज्यादतियां कीतियां। बाबा जी फरमांदे ने प्योती बैठे रस्ते ऊपर ते शामन माशा पया गम दे नाल यकूब नबी नो ते कई कई दलीला गईया। उठ उठ बैंदा मुड़ मुड़ वेखे आखे शाला खैरी आवन जिस दी तांग यकूब नबी नो उसनु खूह च सुटी जावन जिस दरखत हेठ यूसुफ नु पाइया संग रलाया उस दरखत हेठो यकूब नबी ने करवल पैर ना पाया। हथी दफन जिन्ना नू करिए ते मुक्की आस उम्मीद उना दी बिछड़ के आंदी पल पल याद सतावे।
हजरात दाइयों गौर फरमाया जे जो पाप मैं दसना चाहना वा जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम दे बेटे जनाबे यकूब दे कोलो जनाबे यूसुफ नू लेके चले गए। अब्बा जी असी सैर करा लिया ये जिन्ना भरावां मोढ़ियां दे उत्ते जाया बड़ियां मुहब्बतां दे नाल बाप दे सामने प्यार पे करदे ने बाप दे सामने मुहब्बतां पे करदे ने। ओए परवाने कुरान दे ओ गौर फरमाया जे ओ जेड़े भरावां नाल प्यार पे करदे ने उन्हां पाइयां जदों देखिया बाप अखां तों जुदा हो गया अखां तों अलहदा हो गया नजर नहीं आंदा पिया उन्हां जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं नन्नी जान नूं जमीन ते मोहब्बत मोढ़ियां उपर चाया उन्हां बाईयां नाल पकड़ के जमीन उपर पटकाया जावे यूसुफ एक दे दिल विच गुस्सा आया सख्त तमांचे मारे जिस वल जावे यूसुफ प्यारा ओही मारन आवे मुसीबत उस दिन गुजरी किस्सा कौन सुनावे नौ को पेंडा शहर के नानो आज यूसुफ रोंदा जावे जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम नू ओ लोगो परामा मारिया परामा ज्यादतियां कीतियां लेकिन वक्त कैसा आया हजरात अल्लाह ने भी दस्या है जो सिला करन वाला जो सुला करन वाला जो रहमदिली करन वाला अल्लाह नू दुनिया ते भी नीचा नहीं कर दे क्यामत वाले दिन भी नीचा नहीं करनगे बल्कि महबूब ने फरमाया जरा अल्लाह की रजा वास्ते किसी नू मुआफ कर देंदा है कल क्यामत का दिन होएगा जो तो बाप बेटे माफ नहीं करेगा मां धी नु माफ नहीं करेगी ओ तो रब फरमाएगा जाओ मेरे बंदिया तू मेरी रजा दी खातर मेरे बंदिया नु दुनिया ते माफ करदा रहा है मैं आज तैनू माफ करके जन्नत दा दाखला ता फरमा छड्या क्यों जी फिर सानू चाहिए कि नहीं असी लोगों नु माफ करिए लोगों नाल दिल असला रहमी करिए लोगों नाल मुहब्बत करिए लोगों नाल प्यार करिए जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम दे कोलो बिछड़े जनाबे यूसुफ बिकदे बकांदे मिस्र दे अंदर पहुंचे अल्लाह ने बुलंदी अता फरमाई के मिस्र दे बादशाह बन गए जिन्ना परावां मारिया जिन्ना परावां जुल्मो ज्यादतियां कीतियां एक वक्त आया वीर दे बुवे ते बेकारी बन के आ गए फकीर बन के आ गए और लोगो वक्त कैसा आया रब दे कुरान ने बयान किया जो देखा जनाबे यूसुफ ने मेरा फलां भरा आ गया ऐ मेरा ओ वीरे जिन्हें मैनू तमांचे मारे सी मेरा आ ओ वीरे जिन्हें मैनू ठुड्डे मारे सी आ ओ वीर आ गया जिन्हें मेरे कतल का मनसूबा बनाया सी आ ओ वीर आ गया जिन्हें खोटे सिक्कियां दे बदले मैनू बेच दिता सी ऐ मेरा ओ वीर आ गया जिन्हें क्या सी ये भगौड़ा गुलाम है सारे परा सामने आ गया हजरात तो वक्त तो नक्शा जो तो रब दे कुरान ने सामने लिया हजरात आइए गौर फरमाना इमाम अल-अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल प्यार करने वालो हजरात दाइयों गौर फरमाया जे जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखिया ऐ मेरा भला वीर आ गया ऐ मेरा भला वीर आ गया जदों सारे जमा हो गए जदों सारे कोल आ गए ना उदो जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम आप फरमाते ने ओ मैनू पहचानिया जे मैं कौन आ सारे वेखन लग पे ना सारे देखी जा रहे ने आदे ने जनाब आपस दे अंदर मशवरा करते ने यार इंदियां ते नक जेड़ा है अपने बाबे यकूब वर्गा लगदा है ओ यांदा यारे दा मत्था अपने बाबे यकूब वर्गा लगदा है आदे ने जनाब गुस्ताखी मुआफ करिया जे ना किते तुसी यूसुफ भी ते नहीं हो किसे साडा वीर विछड़ा होया बचपन दा यूसुफ
यूसुफ ही ते नहीं है। आ फरमाते ने हाँ वाला आना यूसुफ, हाँ मैं तुहाडा वीर यूसुफ ही हाँ जिन्हों तुसी मारदे रह जनाओ, मैं तुहाडा ओह वीर यूसुफ ही हाँ जिहड़ा तुहाडे कोलों बचपन च विछड़ गया सा। अल्लाह का कुरान आंदा है सारे भरा कंबदे पै ने नाल, सारे भरा थर थर कंबी जांदे ने, अज पता नहीं साडे नाल की कीता जाएगा। अल्लाह का कुरान आंदा है सारे हाथ बन के खड़े हो गए नाल, आदे ने कालू लकद आथरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातीन। ऐ वीर असी गुनाहगारा, असी गुनाह कर बैठे हाँ, सानू माफ कर देना। जदों हाथ बन्ने वेखे नबी यूसुफ ने सारिया पिछलियां माफ कर छड़िया। आप फरमाते ने काला ला तस्रीबा अलैकुमुल यौमा यग़फिरुल्लाहु लकुम वहुवा अरहमुर राहिमीन। फरमाया जा वीरो मैं तुहानू माफ कर छड़िया। मैं रब दे अगे भी दुआ करना अल्लाह तुहाडे ते रहम फरमाए, अल्लाह तुहानू माफ कर दे। वक्त बहुत हो गया मेरे भाईओ, वगरना सिला रहमी ते बयान कीता जाए तो लोगो मेरे नबी ने बड़े बड़े दुख उठाए। एहो बात जदों मेरे नबी दी फुफी दे बेटे ने और चचा दे बेटे अबू सुफियान बिन हारस ने कही, फरमाते ने सोनिया असी गुनाहकार हाँ, असी खताकार हाँ, साढ़े कोलो गलती हो गई है, सानू माफ कर दियो। मेरे नबी दी अखां चो आंसू जारी ने। आका फरमाते ने जाओ मेरे यारो मैं तुहानू माफ कर छड़िया। मक्का फतेह करन दी वारी आई, नबी आए, आका दे सहाबा दे ने अल यौमा यौमुल मलहमा, अज असी इट दे नाल इट वजा देंगे, जिन्ना ज्यादतियां कीतियां सी गिन गिन के बदले लै लांगे। लेकिन मेरे पैगंबर ने जुबान खोली, आका ने फरमाया नहीं मेरे सहाबियो, अज ए नारा ना मारो बल्कि ए कहो अल यौमा यौमुल मरहमा, अज कोई मुआफी मंगेगा मुआफ कर दिता जाएगा, जो अगे लग के दौड़ जाएगा मुआफ कर दिता जाएगा, जो खाना काबा दे अंदर चला जाएगा मुआफ कर दिता जाएगा। बच्चियां नू भी कुछ नहीं कहना, बूढ़िया नू भी कुछ नहीं कहना, औरतां नू भी कुछ नहीं कहना। मेरे नबी दा यार बोलिया सोनिया, फिर इंज कहो किसे नू भी कुछ नहीं कहना। मेरे आका फरमांदे ने हाँ मेरे यारो इंज ही समझो, अज किसे नू भी कुछ नहीं कहना, हर एक नू मुआफ कर देना है। अज मेरे भाईओ अल्लाह दे घर दे अंदर वादा करो कि असी इंशाअल्लाह एक रब दी रज़ा वास्ते, बल्कि एक मुकाम ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मुआफ करन दे नाल किसे दी इज्जत दे अंदर कमी आए, मैं मुहम्मद अल्लाह की जात को गुआ बना के आना, मैं मुहम्मद हो मेरे को इज्जत ले लो, मैं मुहम्मद तुहानू गरंटी देना वा अल्लाह की इज्जत अंदर कमी नहीं आ दें दे, जिरा लोगों को मुआफ करता है। इस वास्ते अल्लाह की रजा वास्ते अपने सके भाइयों, अपनी सखियां बहनों, अपने चचे ताया, जो भी साढ़े अजीजो अकारब ने दोस्त अहबाब ने उन्होंने अल्लाह की रजा वास्ते मुआफ कर दे। क्यों जी इंशाअल्लाह मुआफ करोगे ना, इंशाअल्लाह असीं माफ करना है, साडे बैठन दा मजा भी तां आएगा अगर रब दी रज़ा वास्ते माफ कर देंगे। ऐतों दिलों एक वादा करके उठो कि इंशाअल्लाह जो साडा पैगंबर इतने दुख उठा के ते लोगों नूं माफ कर दिता, असीं उस पैगंबर दे उम्मती हाँ जिसने दिन रात अल्लाह दे अगे होई दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत नूं माफ कर दे। और कल क्यामत दा दिन होएगा अल्लाह दे हाँ नबी पाक दुआ करके अपनी उम्मत नूं जन्नत दे अंदर लैके जाणगे, फिर क्यों ना होए असी नबी पाक दे सच्चे हुबदार ताबेदार बन जाइए। अल्लाह मालिक दे अगे दुआ है अल्लाह ताला सानू आपस इत्तफाक दे नाल रहन दी, एक दूसरे नू मुआफ करन दी तौफीक अता फरमाए, जो सुनया सुनाया है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।